नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आपको पेट खराब हुआ है क्या? आपका पेट खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि आपको अधिक बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिए हो, जंक फूड जैसा कि बर्गर पिज्ज़ा वगैरह जो जनरली ज़्यादा खाने की वजह से होता है, या आपको सूट नहीं हो रहा उसकी वजह से हो सकता है, या आपने हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं रखी, गंदा खाना खा लिया या काफ़ी दिनों का स्टोरेज वाला खाना खा लिया जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी आंतों में चला गया जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई, जिसके वजह से आपको पेट दर्द हो गया, इन्फेक्शन की होने की वजह से पेट दर्द हो गया, पेट खराब हो गया, दस्त होने लग गए, दस्त होते होते आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई। ऐसी सिचुएशन में जनरली कौन सी दवा दी जाती है? जैसा मैंने आपको बताया था, मेट्रोडाजोल एक बहुत अच्छा दवा है जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में यदि मेट्रोडाजोल पूरा काम नहीं कर पाए या पूरा ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों मेट्रोडाजोल के साथ में ओफ्लोक्सासिन नाम की दवा और दी जाती है। इसी मेट्रोडाजोल ओफ्लोक्सासिन के बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ कि जैसे कि दोनों कैसे मिलके काम करती हैं, इसको किस किस बीमारी में दिया जा सकता है, इसके क्या साइड इफेक्ट है, इसको कितनी डोज में लेना चाहिए, इसकी कौन कौन सी टॉप ब्रांड्स आती है जो आपको मार्केट में अपने आसपास मेडिकल स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, और इस दवा को लेते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो जनरली सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन सभी बातों में यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी बात करेंगे, दोनों दवाइयां मतलब मेट्रोनिडाजोल और ओफ्लोक्सासिन दोनों कैसे काम करती है। तो जैसे शायद आपको पता होगा, बैक्टीरिया या अमीबा की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है जो आपकी बॉडी में जाके पेट खराब कर देता है, जिसकी वजह से दस्त होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल और ओफ्लोक्सासिन दोनों क्या करते हैं, इसके डीएनए जो होता है, जो उसका अमीबा या बैक्टीरिया का क्या होता है, ब्रेन की तरह काम करता है, उस डीएनए पे दोनों दवाइयां अटैक करती है और उस डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही उसका डीएनए डिस्ट्रॉय होता है तो बैक्टीरिया और अमीबा खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है। ये दोनों दवाइयां मिलके काम करती, जिसकी वजह से बहुत जल्दी बैक्टीरिया या अमीबा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों, इसकी कौन कौन से किस किस बीमारी में दिया जा सकता है। जैसा अभी मैंने बताया, जो प्रॉब्लम्स थी, मतलब प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे है कि यदि पेट में इन्फेक्शन है, आपकी आहार नाल में मतलब जीआईटी जिसको बोलते हैं, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उसमें यदि आपको समस्या है या वहाँ पे कहीं इन्फेक्शन है, आंत में, छोटी आंत या बड़ी आंत में जनरली इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आपको क्रैम्प्स वगैरह आ रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से आपको डायरिया हो रहा था उस इन्फेक्शन की वजह से, तो यदि इन्फेक्शन ट्रीट हो गया तो आपको डायरिया भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सिमिलरली आपको डिसेंट्री जैसी शिकायत भी होती है, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम डिसेंट्री भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार डायरिया आता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत जल्दी सिचुएशन खराब हो जाती है। यदि इमीडिएटली इस दवा को दिया जाता है तो बहुत जल्दी रिकवर होने की गुंजाइश रहती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कौन सी डोज या कितनी डोज दी जाती है। वैसे तो दोस्तों, डोज जब की बात करते हैं तो मरीज की उम्र कितनी है, कि छोटा बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मिडिल एज में भी होता है, उसका वजन कितना हो सकता है, उसके साथ में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है क्या, या कौन सी बीमारी है। उसी तरह से दोस्तों, अब इसमें यदि मैं बात करता हूँ तो इसके 5 ml में इसका सस्पेंशन आता है, 5 ml में ओफ्लोक्सासिन 50 mg होता है और मेट्रोनिडाजोल 100 mg होता है। इस दवाई को आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सस्पेंशन आता है, 5 ml की डोज में 50 mg ओफ्लोक्सासिन मिलेगा और 100 mg मेट्रोनिडाजोल मिलेगा। अब छोटे बच्चे को कितनी देनी है, मीडियम बच्चे को कितनी देनी है, एडल्ट बच्चे को कितनी देनी है, वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है उसका डायग्नोस करके। तो दोस्तों, इसमें आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की। जब बात साइड इफेक्ट की आती है, तो हालांकि इसके साइड इफेक्ट बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसका जैसे साइड इफेक्ट एक ये हो सकता है कि आपको सर दर्द वाली शिकायत हो सकती है, इसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ मतलब मुंह में बार बार सूखापन जैसा शिकायत हो सकती है, आप इसमें पानी पी सकते हैं, आपको नोजिया वोमिटिंग वाली शिकायत हो सकती है, जिसमें उल्टी जैसा महसूस होता हो। दोस्तों, आपको मेटेलिक टेस्ट मतलब मुंह का टेस्ट बड़ा गंदा होता है इस दवा को लेने में, जनरली ऐसा फीलिंग होता है। तो दोस्तों, ऐसा इन चीजों को ध्यान ना रखें, क्योंकि आपको दवाई लेके आपको इमीडिएटली ठीक होना है। यदि ये आपको दोस्तों ज्यादा इफेक्ट आते हैं, साइड इफेक्ट है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट
कंसल्ट करें। अब बात करेंगे इसकी कौन कौन सी जनरली टॉप ब्रांड से जो मार्केट में मिलती है, जो लीडिंग ब्रांड से जो मेडिकल स्टोर पे मिलती है। तो सबसे पहला आता है इसका मैक्लियोड्स का दोस्तों ओलोमेक एम, ओलोमेक एम जो सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। सिमिलरली दूसरा आता है ज्वेंटिस हेल्थ केयर का डायोव के नाम से सस्पेंशन आता है। इसी तरह से लेकर फार्मा का ओ एफ एम के नाम से आता है। सिमिलरली मेडले फार्मास्यूटिकल का O2M के नाम से आता है। इन सभी दवाइयों को आप मेडिकल स्टोर पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ले सकते हैं। अब बात करते हैं जब डॉक्टर इस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको कौन कौन से सुझाव दिए जाते हैं वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि ये इन सुझावों पे ही आपका रिकवरी बहुत जल्दी ठीक होती है, डिपेंड करती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको डायरिया हो गया, डायरिया होने की वजह से जनरली आप पेशेंट को डिहाइड्रेशन होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको पानी पीना चाहिए, जितना ज़्यादा पानी पी सकते उतना ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। वो उसको ट्रीट करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। या इसके साथ में आपको ORS या नमक या चीनी का घोल भी ले सकते हैं जिसमें आपको डिहाइड्रेशन ना हो। उसी तरह से दोस्तों आपको यदि इन दवाई को लेने के बाद में 48 आवर्स के बाद में भी यदि आपको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है या आपको रिकवरी नहीं हो रही तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जनरली 48 आवर्स में इसको लेने से आपको रिकवरी दिख जाती है। उसी तरह से आपको यदि मल में ब्लड आने लग गया या बहुत ज़्यादा कब्जी है, ऐसी सिचुएशन में इस दवा को जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि ऐसी सिचुएशन है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से दूसरी अल्टरनेटिव दवाई लेनी चाहिए। इस दवा को लेते हैं तो थोड़ा सा नींद जैसा अनुभव होता है, डिजीनेस जैसी शिकायत आती है, तो इसको लेने के साथ के बाद में आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए या ऐसा कोई काम जो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड हो तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग दैट ड्रग थेरेपी और ड्रग ट्रीटमेंट। क्लियर। सिमिलरली दोस्तों इस दवा को लेने के बाद में या दवा को लेते समय आपको शराब ना पिए। शराब पीने की वजह से दोस्तों आपको ये क्या करता है, शराब बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है स्टमक में, जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रॉब्लम हो जाती है, ड्राउजीनेस वाली शिकायत होती है, क्योंकि अल्कोहल और मेट्रोडाजोल या ऑफ्लोक्सासिन मिलकर ड्राउजीनेस शिकायत करता है। ड्राउजीनेस का मतलब ये हो गया कि पेशेंट बहुत ज़्यादा नींद वाली सिचुएशन में चला जाता है और उस सिचुएशन में पेशेंट को बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे इस दवा को लेते समय आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लें। दोस्तों यदि पैरों में सूजन, सोनापन या टिंगलिंग या नंबनेस जैसी शिकायत आने लग जाती है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इन दोनों दवाओं को लेने से जनरली ये देखा गया है। तो इसमें ऐसी आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कोई दोबारा से या थोड़ा वेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे गर्भवती माँ और बच्चे की माँ और यदि आप कंसीव के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जो बच्चा होता है गर्भ में पल रहा होता है उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो कीप इन माइंड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको बिना डॉक्टर कंसल्ट किए हुए दवा बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन पर नहीं जाना। सिमिलरली यहाँ पर जरूर कहूँगा आपको ये जो जानकारी मैंने दी है मेट्रोडाजोल और ऑफ्लोक्सासिन के बारे में वो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हमेशा मैं आपसे रिकमेंड करता हूं डॉक्टर की सलाह पर फार्मासिस्ट से ही दवा लें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। संपूर्ण जानकारी मिलेगी तो दोस्तों आप अच्छे से दवाई लेंगे और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। यदि आपका फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल रह गया है कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट सवाल पूछ सकते हैं अपना सवाल, और अपने यदि जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर को शेयर करें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।